एक्चुअली में जो लिबरलिज्म की जो शॉर्टकमिंग्स थी, या आप ये बोल सकते हो कि जो लिबरलिज्म में ड्रॉबैक्स थी, ड्रॉबैक्स था थी क्या उसमें? देखो लिबरलिज्म में वो क्या बोलते थे कि इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्राइवेटाइजेशन, यही था कि इट इज बेसिकली सेइंग दैट द स्टेट इज ए नेगेटिव स्टेट, स्टेट इज ए नाइट वॉचमैन स्टेट, और मेन फोकस उसका किसके ऊपर है? लिबर्टी के ऊपर, लिबरलिज्म का. ओके, बट इट डज नॉट टॉक मच अबाउट इक्वालिटी. ओके, तो जो लिबरलिज्म में इकोनॉमिक सेटअप है या पॉलिटिकल सेटअप है उसमें कुछ बड़ी सीरियस ड्रॉबैक्स है, और वो जो वो ड्रॉबैक्स है ना वो किसने कैटर की है? दैट वॉज एक्चुअली कैटर्ड बाय द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी. अब ये सोशलिज्म है क्या है? इन द वर्ड्स ऑफ जेम कोड, प्रोफेसर जॉर्ड, उन्होंने क्या बोला है कि सोशलिज्म जो है ना, इट इज लाइक ए हैट विच एवरी वन वियर्स इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज लॉस्ट इट्स शेप. देखो सोशलिज्म जो है ना, वी हैव एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, फेबिनिज्म, सिंडिकलिज्म, फिर उसके बाद वी हैव साइंटिफिक सोशलिज्म, वी हैव ऑर्थोडॉक्स सोशलिज्म. ठीक है, तो ये जो ये सारे सोशलिज्म है ना, इसमें इनमें प्रॉब्लम क्या है? यूटोपियन सोशलिज्म भी है. ये जो सारे सोशलिज्म है, ये सोसाइटी में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है ना, उसी की बात करते हैं. और एक्चुअली में ये सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो ये बोलती है कि सोसाइटी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन वो कैसा होगा. आई विल जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. देखो सोशलिज्म जो वर्ड है वो कहां से निकला है? इट हैज ए वर्ड कॉल्ड SOCIAL, सोशल. तो सोशल क्या हुआ कि जो चीज सबकी हो, यही होता ना, सोशल में जो चीज सबके साथ बिलोंग करती हो. तो जब हम ये बोलते हैं ना कि सोशलिस्ट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, या बोलते हैं कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. ओके, तो एक्चुअली में ये किसकी बात कर रहा है सोशलिज्म? ये बोल रहा है कि जो सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं या मींस ऑफ प्रोडक्शन है, मेथड्स ऑफ जो प्रोडक्शन है, वो इक्वली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो. तो अब हम इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस के ऊपर आएंगे सोशलिज्म की, और वो हमें यहां पे ये एक्सप्लेन करेगा कि सोशलिज्म एक्चुअली में है क्या है. जैसे वी हैव ए डेफिनेशन, इट सेज दैट सोशलिज्म इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच द मींस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज शुड बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पीपल. ओके, देखो आपको ना इस डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि सोशलिज्म जो है वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है, जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट विल बी ओन्ड बाय द सोसाइटी. अब सोसाइटी का मतलब यहां पे क्या हुआ? सोसाइटी का एक्चुअली में मीनिंग ये है कि जो स्टेट है वो एक बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगा. समझ आ रही है इस बात की? जो स्टेट है वो एक बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगा. अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि व्हाई दिस आइडियोलॉजी वाज आल्सो वेरी पावरफुल. वी हैड द कोल्ड वॉर इरा. ठीक, कोल्ड वॉर में देयर वाज ए कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच हैज ए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, एंड वी हैड द USSR जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं. दैट वॉज ए सोशलिस्ट कंट्री. ओके, तो ये कंट्री क्या बोलती है कि जो स्टेट है वो ज्यादा पावरफुल बनानी है. जो स्टेट है ना वो ज्यादा पावरफुल होगी. ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले. और ये बोलते हैं कि जो सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है, ठीक है, वो कंट्रोल कौन करेगा? वो स्टेट कंट्रोल करेगी. इतना समझ आया? ओके, और ये जो ये आइडियोलॉजी, ये बोलता है कि जो प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि जो पूंजीवाद जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, उसको कम से कम करना है. ओके, इसके अलावा अगर हम एक और डेफिनेशन पढ़े, वी हैव द अनदर डेफिनेशन बाय लास्की. वाई सेज दैट इट इंप्लाइज ए कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनेबल्स ए एवरेज सिटीजन टू एक्सेस टू द रिसोर्सेज. तो यहां पर क्या बोल रहा है कि सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि एक जो एवरेज सिटीजन है, एवरेज जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके पास जो कंट्री में रिसोर्सेज है उसकी एक्सेसिबिलिटी हो. समझा रही इस चीज की? सो
मोर और लेस ये जो सोशलिज्म है, तो यहां पे मैं आपको एक और चीज यहां बोलूंगा कि सोशलिज्म को ना डिफाइन करना इतना इजी नहीं है। क्यों नहीं है इजी? क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन भी है, ठीक है, और ये एक फिलॉसफी भी है, और इट इज ए मूवमेंट ऑल्सो। मूवमेंट का मतलब समझते हो? देखो ये इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक थ्योरी भी है और ये एक प्रैक्टिस भी है। थ्योरी किस सेंस में है? थ्योरी इस सेंस में है व्हेन इट सेज दैट कि जो रिसोर्सेज होने चाहिए दैट शुड बी ओन्ड बाय द सोसाइटी, ओके। और ये प्रैक्टिस कैसे है एंड इट्स ए मूवमेंट कैसे, ये कैसे मूवमेंट है? ये अगर हम रशियन रेवोल्यूशन की बात करें, ठीक है, ये 1917 में हुई थी। तो अगर सोसाइटी में ये चाह है कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए रिसोर्सेज की, ओके, और सोसाइटी में हर एक जो इंसान है उसके पास एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए मूवमेंट ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट वेरी इजी, ये बहुत आसान नहीं है कि इसको एक्सप्लेन करना कि व्हाट एग्जैक्टली सोशलिज्म। तो सोशलिज्म के साथ साथ एक और वर्ड है जिसके ऊपर मैं आपको जस्ट छोटा सा एक्सप्लेन करूंगा, इसके साथ एक और वर्ड है कम्युनिज्म, ठीक है। तो देखो ये कम्युनिज्म में आई थिंक आई विल टेल यू ए बिट लेटर कि कम्युनिज्म एक्चुअली में है क्या है, लेकिन इससे पहले लेट्स ट्राई टू टॉक ए बिट अबाउट कि सम फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। इसमें क्या क्या फीचर्स है? पहला है मोर एम्फेसिस ऑन सोसाइटी देन इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और जो फीचर्स भी हैं वो कोई ऐसी नई चीज नहीं है, जो हमने अभी मीनिंग में किया वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि इट सेज व्हाट इट सेज इज दैट, इट सेज इज दैट कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सोसाइटी ज्यादा जरूरी है, इंडिविजुअल ज्यादा जरूरी नहीं है। और ये सेम चीज इसके अपोजिट चीज किसने बोली थी? लिबरलिज्म में, आपको याद होगा उसमें कौन इंपॉर्टेंट था? इंडिविजुअल। इसमें कौन इंपॉर्टेंट है? सोसाइटी। इसके अलावा एबोलिशन ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप, तो एक और चीज की ये क्या बोलते हैं कि जो प्राइवेट ऑनरशिप है वो खत्म होनी चाहिए, जिसको ये हम इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजीवाद भी। और ये क्यों बोलते हैं कि प्राइवेट जो ऑनरशिप है वो खत्म होनी चाहिए? वो इसलिए बोलते हैं कि जब प्राइवेट ऑनरशिप होगी ना तो क्या होगा कि जो अमीर होगा ना वो और अमीर होता जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा होगा और पैसे से वो इंडस्ट्रीज लगाएगा और पैसा आता जाएगा, ठीक। लेकिन जब कॉमन ऑनरशिप होगी तो क्या होगा? कॉमन ऑनरशिप में क्या होगा कि इक्वालिटी बनेगी। जिन लोगों के पास आप ये हम ये बोल सकते हैं कि बेसिक नीड्स नहीं है वो विल फुलफिल हो पाएंगी अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म, ओके। इसके अलावा अपोजिशन टू कैपिटलिज्म एंड इलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। देखो एक चीज तो ये इट इज अपोजिट टू कैपिटलिज्म, ये मैं पहले भी आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ एक और इसने वर्ड बोला है अपोजिशन टू कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन। अच्छा मैं अगर आपको ये पूछूं कि कंपटीशन में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और क्या कंपटीशन बेटर है या कोऑपरेशन बेटर है, तो आई थिंक सभी आप इसी से सहमति होगी कि कोऑपरेशन इज बेटर। व्हाई? क्योंकि कंपटीशन में होता क्या है, कंपटीशन बेसिकली इट ब्रिंग्स बैड क्वालिटीज लाइक स्ट्रगल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका अपना ही शायद दोस्त होगा, जब फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपको कंपटीशन है तो ऑफ कोर्स दिस इज ए रियलिटी, लेकिन जो सोशलिस्ट फिलॉसफी है वो बोलता है कि इट इज अगेंस्ट कंपटीशन। कि कंपटीशन में क्या होता है कि कंपटीशन में हमेशा ही बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनइक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी होने के कारण जो कंपटीशन है वो हमेशा ही जो होता है वो जस्ट नहीं होता। ये समझ आ रही मेरी बात? वो ये ऐसी बात होगी कि जैसे आप कॉलेजेस में पढ़ रहे हो तो कॉलेजेस में एक बच्चा जो है वो सिटी से है या एक बच्चा मेट्रो से है या एक बच्चा बॉर्डर एरिया से है, इन सबका अगर एक जगह पे कंपटीशन होगा तो क्या वो फेयर होगा? वो नहीं फेयर होगा। समझ आ रही नहीं बात? तो यहां पे ये क्या है कि इट इज अपोज टू कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये क्या बोलता है कि जो कॉम्पिटिशन है वो क्या करता है, कॉम्पिटिशन जो है वो नेगेटिव चीजें लाता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या और बोलता है, इट एक्चुअली इम्फेसिस मोर इम्फेसिस ऑन द सोशलिस्ट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। सो दिस वाज ए बिट अबाउट सोशलिज्म, सम फीचर्स ऑफ द सोशलिज्म। समझ आया सोशलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत, ओके। अब जब हम सोशलिज्म के आगे हम जाते हैं, वी हैव एवोल्यूशनरी, और इसको एवोल्यूशनरी सोशलिज्म को फेबिनिज्म भी बोलते हैं, FABIAN
आईएसएम एवोल्यूशन फेमिनिज्म, और रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म को हम मार्क्सिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये वाले सोशलिज्म इसका मतलब क्या है, देखो ये जो एवोल्यूशन, एक चीज तो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी सोशलिस्ट फिलोसफी है या आइडियोलॉजी है वो हमेशा बदलाव की बात करती है, किसकी बात करती है, बदलाव की, ओके। लेकिन अब बदलाव किस तरीके से हो, एक तो बदलाव हो सकता है जो धीरे धीरे हो और एक बदलाव है जो जल्दी हो जाए। अब धीरे धीरे और जल्दी जो बदलाव है इसकी एग्जांपल्स क्या है, पहली हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस की, जिसको हम बोलते हैं फैबियन सोशलिज्म आल्सो। 1947 में जब इंडिया वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पे जो हमारा पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था और जो आज 2021 में है उसमें बहुत बदलाव है ना, इससे सभी एग्री करते हैं। लेकिन वो जो वो बदलाव आए हैं वो धीरे धीरे बदलाव आए हैं, और वो बदलाव किससे आया है, थ्रू डेमोक्रेसी, ठीक, थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो एक्ट पास हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है। और इवन की अगर हम इकोनॉमी में भी बोले, इकोनॉमी में भी वी हैव सीन चेंजेस, जो धीरे धीरे चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो जो बदलाव धीरे धीरे होता है किसी भी सोसाइटी में थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जिसको एक और वर्ड है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक, जो उस तरीके से होता है, दैट इज एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जिसमें जो इकोनॉमी है या मींस ऑफ प्रोडक्शन है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, सोसाइटी में जो ऑनरशिप है वो धीरे धीरे चेंज आती है, ठीक है, दैट इज एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। लेकिन ऑन द अपोजिट हैंड देयर इज कॉल्ड रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। अब ये रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म क्या है, ऐसा बदलाव जो जगदम आए, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, रशियन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 में, फ्रेंच 1789 में, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में, ये जो रेवोल्यूशंस होती हैं, दे आल्सो ब्रिंग्स चेंज, रेवोल्यूशंस आल्सो ब्रिंग चेंज। लेकिन जो रेवोल्यूशंस में चेंज आता है वो कौन सा चेंज होता है, वो सडन चेंज होता है, वो कौन सा चेंज होता है, सडन चेंज होता है, और उसको हम बोलते हैं मार्क्सियन सोशलिज्म आल्सो। अब देखो जब हम मार्क्सियन सोशलिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो दैट इज बेसिकली रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, और ये क्या बोलता है, और यही पे जो ये हम पहले वर्ड किया ना कम्युनिज्म, ये यही पे आता है कम्युनिज्म। अब ये कम्युनिज्म है क्या है, ये चीज अब ध्यान से सुनना, कि देखो वी हैव कैपिटलिज्म, पहले क्या था कैपिटलिज्म, ठीक है, फिर कैपिटलिज्म से आगे क्या आया सोशलिज्म, ठीक, सोशलिज्म के बाद क्या आया कम्युनिज्म, ठीक है। और अगर हम कार्ल मार्क्स की फिलोसफी के ऊपर जाए ना, वो ये बोलता है कि कैपिटलिज्म से पहले था, इससे पहले क्या था फ्यूडलिज्म, जो हमने आई थिंक लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे बताया था जब आपको मैं लिबरलिज्म एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक, और फ्यूडलिज्म के पहले क्या था स्लेव सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी। अब ये क्या है, ये ना कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन करता है इसको, तो वो बोलता है कि जब संसार बना ना, जब दुनिया बनी थी, तो उस टाइम पे कोई भी ये चीज नहीं थी कि ये मेरी चीज है, ये मेरा है, ये तेरा है, सबका जो ऑनरशिप था ना वो कॉमन था, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स आल्सो। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे इंसान जो है वो बड़ा होता गया, तो जो नेक्स्ट स्टेज आई, जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले आया स्लेव सोसाइटी। तो स्लेव सोसाइटी क्या थी, कि एक जो बंदा था वो आप ये बोल सकते हो कि एक इंसान जो बहुत ज्यादा रिच था वो इंसानों को खरीदते थे। आई थिंक अगर आपने पुरानी मूवीज भी देखी होगी उसमें भी ये दिखाया जाता है कि दे वर स्लेव्स। इवन अगर आपने एरिस्टोटल को भी पढ़ा है ना, एरिस्टोटल को जब आप पढ़ोगे तो वो जब इकोनॉमी की बात करता है तो वो जस्टिफाई करता है किसको, स्लेवरी को। तो ये बोलता है कि सबसे पहले स्लेव सोसाइटी थी, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन प्रोग्रेस होती गई फिर आई फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म भी आपको समझ है, मास्टर एंड सर्फ, मतलब कि एक जमींदार और उसके आगे काम करने वाले बंधुआ मजदूर। फिर उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जिसमें क्या था कि इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द वर्कर्स, ओके, जिसको कार्ल मार्क्स ने बोला है बुर्जुआ एंड द प्रोलिटेरियट। बुर्जुआ हो गए अमीर लोग, रिच पीपल, एंड प्रोलिटेरियट हो गए पुअर पीपल।
फिर उसके बाद आया अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स देयर कम द स्टेट सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या है, जहां पे स्टेट भी होगी और इक्वालिटी भी होगी, ठीक है, लेकिन वहां पे टोटल इक्वालिटी नहीं होगी। समझा रही इस बात की, वो कह रहा है कि वहां पे टोटल इक्वालिटी नहीं होगी, तो दैट इज सोशलिज्म। अब जो ये कम्युनिज्म की बात कर रहे थे ना, और ये यहां पे आई थी रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म पे। अब ये कम्युनिज्म क्या है, जब सोशलिज्म की हाईएस्ट स्टेज होगी, जब सोशलिज्म टॉप स्टेज पे चला जाएगा, तो देन इट विल बिकम कम्युनिज्म। सो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म विल बी कम्युनिज्म। और ये जो कम्युनिज्म है, ये अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ये एक ऐसी सोसाइटी होगी दैट विल बी स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, और वहां पे जो चेंजेस आएंगे दैट विल बी रेवोल्यूशनरी चेंजेस, और दैट विल बी ए अथॉरिटेरियन स्टेट। जो स्टेट होगी वो अथॉरिटेरियन होगी, और वहां पे जो बदलाव आएंगे वो जबदम बदलाव आएंगे। समझा रही इस बात की, वो कौन से चेंजेस आएंगे, वो इंस्टेंट चेंजेस आएंगे, ठीक। सो दिस इज रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ओके। तो अगर आपको अब थोड़ी सी और थोड़े से फीचर्स बता दूं इन दोनों के, एवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी के, जैसे कि इसमें लिखा है फेथ इन सोशलिज्म एंड एडवोकेसी ऑफ द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, दिस इज अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी और एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। फिर इसके बाद है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी बाय फ्रीइंग द लैंड। देखो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसने बोली इसमें एवोल्यूशनरी सोशलिज्म है। आपको ना मैं एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जैसे हमारी स्टेट है ना जेएनके, तो यहां पे क्या कर रहा है कि सोशलिज्म में फ्रीइंग द लैंड, मतलब कि जो ये सिस्टम था ना फ्यूडल स्ट्रक्चर फ्यूडलिज्म, इसमें क्या था कि एक जमींदार था उसके पास बहुत सारी जमीन थी, ओके, और वो सारी और वो आगे क्या रखता था, आगे मजदूर रखता था अपने, ठीक है, मजदूरों को वो पगार देता था और उनको रखता था, और उनको जितनी उनकी मतलब कि ड्यू शेयर होना चाहिए उतना नहीं देता था, ठीक। तो ये जो सिस्टम था फ्यूडलिज्म, इवन हमारी जेएनके स्टेट में भी ना 40 आई थिंक इंडिपेंडेंस से पहले कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत जमीन थी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी। तो हमारे यहां पे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया, ठीक, और उसने क्या किया, उसने जो जमीन थी जिनके पास ज्यादा जमीन थी, उन्होंने ये एक सेट कर दिया कि एक पर्सन के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, तो जिसके पास उससे ज्यादा जमीन थी वो उसे ले ली गई, स्टेट ने ले ली, और स्टेट ने फिर बाकी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशनरी और एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ठीक, समझ आई चीज। फिर उसके बाद है एक्सटेंशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द मेन ऑब्जेक्टिव। ये चीज जो आई थिंक आपको पता ही है कि सोशलिज्म में एक चीज क्या बोली गई है फैबियन सोशलिज्म में, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सिन है। क्यों? क्योंकि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है तो देन इंडिविजुअल जो है दैट बिकम्स मोर सेल्फिश, और जो आप ये बोल सकते हैं कि उससे जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ज्यादा होती है, ओके। एंड फाइनली नाउ देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म आल्सो। इसमें जो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म या जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी है, इसमें मोर और लेस ये किसकी बात करते हैं, पहले हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की। अब ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, ये मैं बड़े बड़े वर्ड्स आपको जो बोल रहा हूँ ना, ये मैंने आपको एक्चुअली में एक्सप्लेन कर दिए पहले। ये जो ये थी ना स्लेव सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड फाइनली कम्युनिज्म, ये इसने ना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब हुआ कि हिस्ट्री में मटेरियल का क्या रोल रहा है और किस तरीके से सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया, ठीक, ये सारे का सारा किसमें है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। इसके बाद एक और चीज जो मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इट ऑल्सो टॉक अबाउट द सरप्लस वैल्यू। अब सरप्लस वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्या है, वो ये है कि वो ये चीज है कि सोसाइटी में ना जैसे किसी भी इंडस्ट्री में एक जो होता है वो मालिक होता है और उसके आगे मजदूर होते हैं, ठीक है, और जो मालिक होता है वो जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा अपने पास रख लेता है, और जो आगे मजदूर होते हैं जो वर्कर्स होते हैं उनको उनकी वेजेस देता है, लेकिन क्या होता है कि उसका जो प्रॉफिट होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक, लेकिन जो मेन काम है वो मजदूरी करते हैं, है ना, तो वो जो वो वाली इनकम जो कि
मजदूर की जितनी पगार है और जितना उसका प्रॉफिट एक्स्ट्रा है उसके बीच में जो है ना माइनस, मतलब कि जो एक पूरी इनकम एक ऑनर की, एक इंडस्ट्री के, एक फैक्ट्री के और जो एक मजदूरों के, उसके बीच का जो गैप है ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्क्स द सरप्लस वैल्यू। ठीक। और ये बोलता है कि ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है सोसाइटी में, और ये एक जो कैपिटलिस्ट का जो एक स्ट्रक्चर है ये एक एक्सप्लॉयटेशन का बहुत बड़ा औजार है। और ये देखो, ये अगर हम ना उस टाइम की बात करें, जैसे आपको बताया था पहले भी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब कैपिटलिज्म लिबरलिज्म बहुत ज्यादा फोरफ्रंट में आया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो लेबर्स की जो कंडीशन थी, जो हालत थी, वो बड़ी खराब थी, ठीक है नहीं, तो जो वो एक्स्ट्रा पैसे कमाता था ना, दैट वॉज सरप्लस वैल्यू। ठीक। सो दिस वर द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड सोशलिज्म। आई होप कि जो हमने सोशलिज्म के ऊपर किया, सोशलिज्म की टाइप्स, बेसिक डेफिनेशन, फिर उसके एक बाद एक अंडरस्टैंडिंग, और फिर उसके बाद हमने उसके कुछ फीचर्स के ऊपर बात किया, और फाइनली हमने बात किया एवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, वो आपको समझ आया।